कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने के लिए सैनिटाइजर की कमी को देखते हुए उसका उत्पादन बनाने की मंजूरी शहर के शराब कंपनी को दी गई है, जिसका परवाना जगन्नाथ सेठी की कंपनी को दिया गया। फिलहाल कोरोना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी है, जिस कारण सैनिटाइजर की मांग बढ़ती जा रही है। इसीलिए मार्केट में सैनिटाइजर की कमी निर्माण हुई है। उस वजह से सैनिटाइजर की कालाबाजारी बड़ी मात्रा में की जा रही, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आयुक्त कांतिलाल उमाप इन्होंने सरकार को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद नागपुर डिस्टिलरी के संचालक जगन्नाथ सेठी के शराब कंपनी को सैनिटाइजर निर्मित का परवाना दिया गया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की न्यूज, इनबीसीएन न्यूज नागपुर। इसमें कोविड-19 या 20 विषाणु के जो रोगराई फसर गई है, उसमें उमाप साहब जो हमारे कमिश्नर साहब है, उन्होंने आह्वान दिया था और जो लिकर प्रोडक्ट करने वाले जो भी यूनिट है वो ऐसा हैंड सैनिटाइजर करने का वाला तैयार है, उसे प्रोत्साहन दे दो, ऐसे बोले थे। इसलिए सुप्रिटेंडेंट साहब हमारे और डीजी साहब, इन्होंने उनको प्रोत्साहन पर बुलाया था और वो जो नागपुर डिस्टिलरी के टेकानाका का यूनिट है, जो डायरेक्टर साहब है जगन्नाथ सिंह सिटी साहब, उन्होंने एक्सेप्ट किया और फूड ड्रग एंड पुलिस एंड एक्साइज ये सब अप्रूवल्स लेके आज यूनिट शुरू हुआ है। विदर्भ का पहले लीकर लाइन का ये पहला यूनिट है। क्या लगता है कालाबाजारी इसके 100% गवर्नमेंट ने जो रेट उनको दिया है वो रेट से आगे नहीं जाएंगे, ऐसा उधर सुपरविजन भी एक्साइज का लगा रहा है और 100% वहाँ कालाबाजारी नहीं होगी। इसमें कोविड-19 या 20 विषाणु के जो रोगराई फसर गई है, उसमें उमाप साहब जो हमारे कमिश्नर साहब है, उन्होंने आह्वान दिया था और जो लिकर प्रोडक्ट करने वाले जो भी यूनिट है वो ऐसा हैंड सैनिटाइजर करने का वाला तैयार है, उसे प्रोत्साहन दे दो, ऐसे बोले थे। इसलिए सुप्रिटेंडेंट साहब हमारे और डीजी साहब, इन्होंने उनको प्रोत्साहन पर बुलाया था और वो जो नागपुर डिस्टिलरी के टेकानाका का यूनिट है, जो डायरेक्टर साहब है जगन्नाथ सिंह सिटी साहब, उन्होंने एक्सेप्ट किया और फूड ड्रग एंड पुलिस एंड एक्साइज ये सब अप्रूवल्स लेके आज यूनिट शुरू हुआ है। विदर्भ का पहले लीकर लाइन का ये पहला यूनिट है। क्या लगता है कालाबाजारी इसके 100% गवर्नमेंट ने जो रेट उनको दिया है वो रेट से आगे नहीं जाएंगे, ऐसा उधर सुपरविजन भी एक्साइज का लगा रहा है और 100% वहाँ कालाबाजारी नहीं होगी। आमच्याकडे पोर्टेबल लीकर बनवण्याचा लायसन्स आहे, त्याच्यामध्ये आमच्याकडे मद्यार्कचा साठा होता। शासनाने स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंटने आम्हाला अपील केली की जर तुम्ही याच्यामध्ये सहभागी होऊन आम्हाला हँड सॅनिटायझर बनवून दिले तर शासनाला त्याची हेल्प होईल। सबब आम्ही त्यांच्या सहयोगाने फॉर फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनकडे गेलो, त्यांनी आम्हाला परवानगी दिली, लायसन्स इश्यू केलं आणि त्याच्यामध्ये आम्ही जे जे शक्य ते पूर्तता केली आणि आमच्याकडून संपूर्ण पूर्तता झाली आहे। त्याच्यामुळे आम्ही आज कमर्शियल उत्पादन घेतलं आहे। आमचा हँड सॅनिटायझर आहे ज्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम 80% स्पिरिट असतो आणि कलेक्टर साहेबांना, कलेक्टर नागपूर यांनी आम्हाला कारखाना चालवण्याची परवानगी दिली, त्याच्यामुळे आमच्याकडे कामगार आले आणि स्वखुशीने ते आलेत। त्यांच्या सहयोगाने, आमच्या कामगारांच्या, आमच्या स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंटच्या सहयोगाने आम्ही हे उत्पादन आज केलं आहे। आम्ही याचे सॅम्पल आता हॉस्पिटल्सना देऊ आणि आज आम्ही फक्त 1 लिटरच्या पॅकिंगमध्ये उत्पादन काढलं आहे, याच्यानंतर आम्ही 5 लिटरमध्ये उत्पादनही काढू। बकार्डी हे एक मद्य उत्पादक आहेत, विश्वात त्यांचं नाव आहे, संपूर्ण विश्वात, आणि त्यांनी आमच्याशी टायअप करून ते चॅरिटीमध्ये वितरण करतील याची त्यांनी आम्हाला हमी दिली आहे। आम्ही आभारी आहोत स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंटचे, कलेक्टर नागपूरचे, फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनचे आणि आमचे सर्व कामगार आणि सहयोग्यांचे।